एक्चुअली बहुत तैयारियाँ की हैं बिकॉज तेजस्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिया और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं. मुझे अपने आप को कुछ बनाना है, जैसे सलमान खान ने अपने आप को कुछ नया बनाया, ऋतिक रोशन ने अपने आप को कुछ नया बनाया, तो वैसे भी मुझे अपने आप को कुछ नया बनाना है. बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो दिया बहुत सिंपल लड़की है और इतनी शान और शौकत का उसे शौक़ नहीं है, बट या आई थिंक एक हर एक लड़की एक प्रिंसेस होने का सपना देखती है. सो प्रिंसेस दिया विच आई एम प्लेइंग, आई कैन, मेरे उस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं. दोस्तों शो बहुत अच्छा है, थोड़ा मैं कह सकता हूँ वाकई हटके है, जस्टिफाई कर रहा है हमारा पोस्टर भी. कहानी बहुत यूनिक है, कहानी के बारे में मैं कहूँगा शशि बताएगी बेटर रहेगा. शो को एक अलग लेवल पे हम बनाना चाहते थे जिसमें जो लिखा है उससे कई गुना बढ़ के ऑडियंस के सामने आए, और चूंकि रॉयल फैमिली की कहानी की हम बात कर रहे हैं और कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे हैं, सो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसको वो लुक और ग्रैंडर देने में, और उसमें हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी. उसमें परफॉर्मेंसेस से लेके एग्जीक्यूशन से लेके हर चीज़ इतनी अच्छी है कि वो ऑडियंस का दिल 100% लुभाएगी, मेरा विश्वास है. एंड शशि हैज़ क्रिएटेड द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स. आई वुड लाइक टू आस्क हर टू टेल द कैरेक्टर्स. खम्मा घणी, जैसा शो है हम वैसी बात करते हैं. तो राजस्थान की कहानी तो हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट करती ही थी, और इस कहानी का श्रेय मैं बहुत हद तक स्वाति को देना चाहूँगी, क्योंकि ये कहानी जब हमने बनाई थी तब इसका रूप जितना छोटा था, और फिर करते करते किरदार, क्योंकि इसकी ये हमको खुद को इतना अच्छा लग रहा था कि एक ऐसी लड़की आज के टाइम की जिस पे कोई बर्डन नहीं है, जिससे कहा नहीं गया है कि तुझे ये करना है, ये रिवाज है, ये प्रथा है, ये कुछ नहीं है. शी इज़ टूडेज गर्ल जिसकी अपनी परवरिश है, जिसके अपने उसूल हैं, अपने संस्कार हैं, और उनके चलते उसका अपना डिसीजन है जो वो अपनी अच्छाई की वजह से ले पाती है. तो हम दोनों को कैरेक्टर बहुत पसंद आया, और उस तरह से ये कहानी ने एक नया रूप लिया. रतन का किरदार और इस शो में दिखाए गए जितने भी लोग हैं उन सब पे हमने पर्सनली रिसर्च की. ये रॉयल बैकग्राउंड को जितना हम जानते नहीं थे हमने उनके बारे में जाना, रिसर्च वगैरह की. हमारे सेट पे एक बंदा हमने रखा था स्पेशली इसीलिए, जो इन सारे रीत रिवाजों को जानता था, और उसने उस तरह से हमें मदद की. तो कुल मिला के बहुत प्यार और मेहनत से सब किरदार कहानी लिखी है. आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी. थैंक यू. और इसके लिए मैं आपको जो मिलवाना चाहूँगी मेरे शो के ये पहरेदार और पिया दोनों से, दिया और रतन, रतन मान सिंह. रतन सा एंड जिन्हें बहुत बात करना पसंद है. आई नो एवरीबडी इज़ लाइक सुपर एक्साइटेड टू सी, उधर से लड़कियाँ खड़ी होकर देख रही है कौन है हमारे रतन सा. इन्हें परियों की कहानी भी सुनना बहुत पसंद है, और क्यों ना हो, हमारे रतन सा है ही इतने प्यारे, राइट? कैन वी यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रतन सा प्लीज. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ है हमारी दिया, जो अपने पति की जीवन संगिनी ही नहीं बट वो उसकी पहरेदारनी भी है. कैन वी हैव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रतन सा एंड दिया. सबसे पहले दिया, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके किरदार के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? दिया का किरदार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है. वो बहुत ही, शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी मस्तीखोर,
वो बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, बहुत जल्दी रो भी देती है. बट एट द सेम टाइम जब सब कोई घर के बड़े बड़े हार मान लेते हैं और डर जाते हैं, दैट्स व्हेन शी इज़ द वन हु टेक्स चार्ज एंड या सरप्राइजेज एवरीबडी. तो व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिया, दैट्स व्हेन शी शाइन्स द ब्राइटेस्ट. तो इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एंड वेरी फन लविंग. सो यू माइट एक्चुअली जस्ट एंड अप फाइंडिंग हर वेरी क्यूट, स्पेशली माई रिलेशनशिप विद रतन वेरी क्यूट. वी हैव वेरी स्वीट मोमेंट्स टुगेदर एंड या इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग आवर सीन्स टुगेदर. या फॉर श्योर. एंड सिंस यू सेड इट्स एन अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर, दिया के रोल के लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? हम लोगों ने एक्चुअली बहुत तैयारियां की हैं बिकॉज तेजस्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिया. और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं और इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. बात करने में जो राजस्थानी या राजपूतों की तरह हम कह के बात करते हैं, दैट वॉजन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डन दैट इन माई लास्ट शो ऑल्सो. बट वॉट वॉज मोर दिस थिंग इज you know how you sit, how you talk, or just this different kind of respect when you have for, like right now I'm not wearing a poshak, but otherwise the attire in my show main ek poshak pehni hu aur rajputon ki tarah matlab meri puri family dikhai gayi hai. That was it. But honestly speaking zyada mushkil nahi hui because I've been blessed with producers like Shashi ma'am and Sumit sir and a very like very good director. Like we had Amit sir and now there's Debashish ji also, all the creatives be it from the production or the channel, it's been a lot of help from all of them. तो कैरेक्टर में ढलना इतना ऑनेस्टली मुश्किल नहीं रहा. लाइक सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू कि मुश्किल क्या था. लाइक आई एम हैविंग टू थिंक. इट वाज सो इजी फॉर यू. दीस गाइस मेड इट इजी फॉर मी. इट्स ऑल देम, इट्स नॉट मी, इट्स ऑल देम. एंड आल्सो यू ऑल शॉट इन राजस्थान, देयर वर मेनी आउटडोर शूट्स, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन राजस्थान? It was very nice, especially Rajasthan में जैसे हमारे Indian culture को इतना preserve करके रखा हुआ है Rajasthan का. मतलब जब भी हम वहाँ के, even when you go to and live in hotels out there, they are palaces which are now converted into hotels. जो हमारा महल भी है जो हम लोगों ने फायसा होटल में convert किया हुआ है, तो वहाँ के सारे paintings और ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है. कि लाइक बींग अ मुंबईकर, देयर इज वेरी वेरी लेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड वी आर रियली मूविंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड. और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना. राजस्थान का खाना, वहाँ का म्यूज़िक, हमारा टाइटल ट्रैक ही सुन लीजिए आप सब, लाइक इट्स अमेजिंग. बट द डिफिकल्ट पार्ट वॉज द धूप. That was like, and we went in the month of May, but that's not Rajasthan's fault. So yeah, otherwise Rajasthan ka sab kuch badhiya hi tha. And most important question, Ratan sir ke saath kaam karke aapka experience kaisa raha? It is amazing. Hum log bahut zyada masti karte hain and hum log bahut zyada jhagda bhi karte hain and hum log bahut jaldi maan bhi jate hain. And maine kabhi expect nahi kiya tha ki mujhe aise hero milenge. मुझे नहीं लगता इस शो के बाद भी मुझे कभी ऐसे हीरो मिलेंगे. ऐसा कभी कोई हीरो नहीं रहा है कि उसे शॉट के बीच में सोना है या उसे कल सुबह स्कूल जाना है या अब उसे लेस खाने का मन कर रहा है या तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरी टू हैव अ हीरो लाइक हिम opposite me. So it's an amazing experience. Like you said, it was not expected for you. I'm sure it was not expected for any one of us either. Yeah. आप बोल रहे हो आगे, शी सेइंग गो बिहाइंड, सी बिहाइंड. द वेरी लास्ट क्वेश्चन, सो वी हैव सीन योर अपैरल, आपकी इतने अच्छे लहंगे, कॉस्ट्यूम्स. इनफैक्ट आई हर्ड जब यूट्यूब पे गया द डिजिटल एड्स, बहुत सारी लड़कियां ने ये भी कहा कि हम हमारे शादी में दिया जैसे दिखना चाहते हैं. सो हाउ वाज योर एंटायर एक्सपीरियंस ओवर द लुक, योर हाउ डिड यू फील वेयरिंग ऑल दीज कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी? इट्स वेरी नाइस. अगर लड़कियों को सजना संवरना श्रृंगार करना पसंद है तो आई थिंक इट्स आइडियल
माय शो का लुक इज़ आइडियल. अगर किसी को नहीं पसंद है देन इट्स नॉट राइट, बट इफ अ गर्ल लव्स गेटिंग रेडी देन यू हैव एवरीथिंग यू वांट. यू हैव अ नथनी, नेक पीस, चोकर, बड़ा वाला हार, रिंग्स, बोरला, उसके ऊपर मांग पट्टा एंड इयर रिंग्स, और अगर कमर पट्टा, एम आई मिसिंग अ पायल, पायल की भी उंगलियों में वो व्हाट इज इट कॉल्ड, बिछुआ. तो ऐसे कोई पार्ट ही नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ है. इट्स लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड. सो वी हैव गॉट ज्वेलरी एंड दे हैव ट्राइड टू ब्यूटिफाई मी एज मच एज दे कुड. बट यू आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. एंड नाउ रतन सर, आप बताइए, आप इतने बड़े शो के हीरो हो, हीरो बन के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो में रहकर, और हम दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं बीच बीच में, बहुत झगड़ा भी करते हैं जैसे दिया ने कहा, और मुझे बहुत मज़ा आता है दिया के साथ में रहते हुए. एंड ऑल्सो अफान से रतन का ये पूरा जर्नी जो था, आपने कितनी तैयारी की रतन बनने के लिए? मैंने बहुत मेहनत की है. एक्चुअली मैं स्ट्रेट बैठता था तो मुझे प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, लेकिन जो बात करने का तरीका था हम, और मुझे बहुत चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, कैसे चलते हैं स्ट्रेट होकर, बहुत बहुत मुझे वो करना पड़ा प्रैक्टिस. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अफान को इतना मुश्किल हुआ होगा, बिकॉज आई रिमेंबर सुमित सर टेलिंग अस कि द मोमेंट, मतलब अफान तो पहली बार शायद ऑडिशन के बाद आया था, एंड अफान एंटर्स द रूम एंड सुमित सर इज़ लाइक, सुमित सर इज़ लाइक व्हाट इज़ योर नेम, एंड दिस गाय गोज़ लाइक अफान खान. सो इज़ लाइक यही है रतन, यही है. आई रिमेंबर सर टेलिंग या ही कुड लाइक सर कुड जस्ट सी रतन इन हिम, ही कुड जस्ट सी. एंड ऑल्सो अफान, द लास्ट वेरी क्वेश्चन की आई एम श्योर वी ऑल ऑलरेडी नो कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, बट स्टिल मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो, व्हाट इज योर गोल? मुझे अपने आप को कुछ बनाना है, जैसे सलमान खान ने अपने आप को कुछ नया बनाया, ऋतिक रोशन ने अपने आप को कुछ नया बनाया, तो वैसे भी मुझे अपने आप को कुछ नया बनाना है. No, this is very true because many people came up to me, they told me he doesn't tell he wants to become an actor. Wo bolta hai mujhe kuch nahi, mujhe khud apna ek identity create karna hai, which is a very big thing coming from such a little boy. Can we have a thunderous round of applause for Diya and Ratan sir? Thank you. And ladies and gentlemen, ab main hamare parivar ke sabhi sadasyon ko stage par aamantrit karna chahti hu.
शादी के बाद पहली बार बहू का स्वागत करने के लिए एक बड़ी अच्छी रस्म किया जाता है, जहां सभी बड़े लाड़ से अपनी नई बहू को, अपनी दुल्हन को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। और इस रस्म का नाम है सुहाग थाल। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे डाइनिंग एरिया में, जहां सुहाग थाल की रस्म होने वाली है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल परिवार वाले टू प्लीज मूव टुवर्ड्स द सुहाग थाल एरिया फ्रॉम द टॉप, ऑल द फीमेल एक्टर।
बेटी के लिए दिया भाई साहब हमारी बेटी अब इनकी शादी हो गई है जो इन्होंने अपने मन से की है और माँ हमेशा बच्चों के साथ होती है इसलिए मैं भी इनके साथ हूँ इनके नए जीवन के लिए मैं इनका मुंह मीठा करवाऊँगी चूरमा से ताकि ये अपनी आगे की गृहस्थी में और मीठा बिखेर सके करेंगे
दिया कैसा फील हो रहा है इतनी रॉयल फैमिली का एक पार्ट बनने का? दिया शादी के पहले भी एक रॉयल फैमिली की ही बेटी है, बट यस दिस फैमिली जिस जहाँ मेरी शादी हो के मैं आ रही हूँ वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो दिया बहुत सिंपल लड़की है और इतनी शान और शौकत का उसे शौक़ नहीं है, बट या आई थिंक एक हर एक लड़की एक प्रिंसेस होने का सपना देखती है, सो प्रिंसेस दिया विच आई एम प्लेइंग आई कैन मेरे उस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं। मैम देखा जाए तो ये पिछले शो से आपका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, राजस्थानी लुक लग रहा है, तो उसके कुछ खास प्रिपरेशन किए? खास प्रिपरेशन जैसे कि मैंने कहा था मैंने लैंग्वेज का ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वादा अदरवाइज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर क्रिएटिव्स सब ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और हम सब ने बहुत अच्छे से वर्कशॉप्स भी किए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एवरीबडीज हेल्प। इस शो को चूज करने कुछ खास वजह देखा जाए पीछे? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब भी आप सब ने भी हमारा ये शो या ये प्रोमो देखा होगा तो आपने भी एक सेकंड लुक तो दिया ही होगा कि मतलब है ये क्या प्रोमो है, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सवाल पूछा गया इस शो के बारे में तो मैंने भी ऐसी दूसरी बार पूछा कि क्या 10 साल के बच्चे से लाइक, तो लाइक हाँ, तो जो एक सेकंड ग्लांस दिया जो मैंने भी दिया और ऑडियंसेस में सब ने दिया, आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी बिकॉज शो बहुत ही अलग है जो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई शो बना है, और मेरे लिए एज अ कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर प्ले करना और या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना, तो इसीलिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है विच इज़ वाई आई चोज इट। सो बीइंग अ मुंबई की गर्ल राजस्थान का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था विच इज़ व्हाट आई हैड ऑलरेडी सेड कि बहुत अच्छे तरह से इंडियन वैल्यूज़ और कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखा है और मुंबई बहुत फास्ट है और बहुत भीड़ है यहाँ पर, वैसे राजस्थान में नहीं है, बहुत ज़्यादा बंजर धरती टाइप है वहाँ पर, तो इट वॉज़ फन, इट वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। सो मई में शूटिंग हुई, धूप कैसे बेयर किया? हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे शूट कर रहे थे एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे शायद मैं सिर्फ दुबई में जब गई हूँ वही तभी मैंने शायद वो टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया हो, बट या दिस वॉज राजस्थान और मैंने ये सारा इस पूरे कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस किया तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, तो या बट अदरवाइज द एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। तो राजस्थान में काफ़ी अच्छे प्लेसेस भी है, तो कौन कौन से प्लेसेस आप लोग ने शूटिंग के दौरान एक्सप्लोर किए? हम लोग लेक पैलेस गए थे, हम लोग जूनागढ़ फोर्ट गए थे, करेक्ट, और कहाँ कहाँ गए हम लोग? हम लोग बहुत सारी जगह गए, मुझे याद नहीं है। सो बेसिकली बात करें कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी, हाउ इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स एंड शूज? नाउ आई एम यूज्ड टू इट, अभी तो आदत हो गई है, पर राजस्थान में उस धूप में जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो तभी इस लहंगे को पकड़ के चलो, डांस सीक्वेंस करो, एक्शन सीक्वेंस करो, यहाँ से वहाँ भागो, फिर बाद में ये गले में पकड़ के रखा हुआ है और हमेशा पल्ला गिर रहा है उसे पकड़ो, फिर कभी कभी ज़्यादा धूप के वजह से नथनी फिसलती है तो बहुत मुश्किल था, बट ठीक है, इट्स माय जॉब, बट आई लव, तो जो आउटलुक है, जो मेरा लुक है वो द आउटकम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इट्स ऑल वर्थ इट। सो आपके किरदार की बात करें तो किस तरह कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? लुक सेंटर, लुक सेंटर। मैं रतन मान सिंह, मेरा जो शो का नाम है वो मैं जो किरदार का जो किरदार है मेरा जिसका नाम है वो है रतन मान सिंह, मैं 9 साल के बच्चे का किरदार का रोल निभा रहा हूँ और मैं वारिस हूँ एक हेरिटेज होटल का। और कास्टिंग कैसे हुई थी आप?
मैंने बेहद में काम किया है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स और जो कास्टिंग वाले लोग थे उन्होंने सोचा इसे कास्ट करते हैं, और फिर मैंने ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली मैं सिलेक्ट हुई। हम लोग ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते रहते हैं, झगड़े भी बहुत करते हैं, और ऑफ स्क्रीन हम लोग KVC खेलते हैं, और मैं मिस्टर बच्चन उनके हॉय हॉय करके क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन? जैसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, प्रेसिडेंट कौन है? नहीं, तुमने आपने वो पूछा था ना, ये बीन है तो ये क्या है? हाँ, अगर अगर ये पान है तो ये क्या है? तो ऐसे क्या है, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, जापान, करेक्ट। हाँ, ये हमारे KVC के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो लाइक KVC तो वापस से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो आप एक्साइटेड ऑब्वियसली होंगे। हाँ, आपने तो घर में ही KVC खोल के रखा है। तो इसी के साथ साथ हम KVC की भी प्रमोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ PPK के साथ। फाइनली आप जस्ट ये ऑन एयर होने वाला है शो, कुछ दिनों में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक शो ऑन एयर भी नहीं आया और शो को इतना अच्छा रिस्पांस आया है, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, और बहुत लोग हैं जो समझ भी नहीं पाए हैं कॉन्सेप्ट को। तो एटलीस्ट जो मुझे जिस बात की खुशी है कि वो ये है कि एटलीस्ट लोगों ने इसे समझने या ना समझने में दिलचस्पी तो ली है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और शो ऑनर आने से पहले अगर इतनी खलबली मचा दी है, तो सोचिए ऑनर आने के बाद क्या होगा। थैंक यू सो मच।